नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको चार क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं। वो चार क्वेश्चन कौन से है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि सनातन धर्म क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर हमको नहीं मालूम है। शायद ना मालूम हो तो मैं आज आंसर देने की कोशिश करूंगा। दूसरा है कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, यानी सनातन धर्म की स्थापना किसने की है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा कि सनातन धर्म के कुल कितने अंग हैं। अंग मतलब उसके कुल कितने संप्रदाय हैं, कितने संप्रदायों से मिलकर एक सनातन धर्म बना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल कितने अंग हैं इसके। और चौथा रहेगा कि आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, यानी आप जिस भगवान की पूजा करते हो या जिस प्रकार से भी आप अपने धर्म को मानते हो, तो आप किस संप्रदाय से, सनातन धर्म के किस अंग को आप बिलोंग करते हो। ये चारों क्वेश्चनों के आंसर मैं आज देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सनातन शब्द की, कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है, यानी सनातन का अर्थ क्या है। तो सनातन का अर्थ है जो था, है और रहेगा, उसको हम बोलते हैं सनातन। इसका मतलब यह हुआ कि सनातन वो शब्द है या सनातन वह है जो सदियों से इस दुनिया में था, अभी भी है और आने वाले समय में भी इस दुनिया में रहेगा, उसको हम बोलते हैं सनातन। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि सनातन धर्म जिसका अस्तित्व आज से लाखों वर्ष पहले भी था, अभी भी है और आने वाले करोड़ों वर्षों तक इसका अस्तित्व रहेगा, उसी को हम बोलते हैं सनातन धर्म। तो आपने जान लिया कि सनातन क्या है और सनातन धर्म क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने धर्म की स्थापना उन्होंने की है, फलाने धर्म की स्थापना उन्होंने की है। जैसे कि आपने सुन रखा होगा कि जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो प्रभु यीशु ने इसकी उनकी स्थापना की थी, इस्लाम की जो स्थापना है वो मोहम्मद ने की थी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध ने उसकी स्थापना की थी। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो महावीर जी ने इनकी स्थापना की थी। ऐसे सभी जो धर्म है जिनको हम धर्म मानते हैं या संप्रदाय है, उनके इस संस्थापक कोई ना कोई थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है उनकी स्थापना किसी इंसान ने नहीं की है, बल्कि स्वयं भगवान ने ही इसकी स्थापना की है। क्योंकि धर्म की स्थापना नहीं, धर्म का संरक्षण तो कोई इंसान कर सकता है, लेकिन स्थापना स्वयं ईश्वर ही उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म के जो संस्थापक हैं या सनातन धर्म के जो जिन्होंने इसकी स्थापना की है, वो स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की है, इसी कारण से ये सनातन है। यानी क्योंकि भगवान पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, और उनकी बनाई हुई सारी चीज पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी कारण से हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके अंग की, यानी कि कौन कौन से संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो देखिए, मुख्यतः वैसे तीन ही संप्रदाय हैं इसके। एक तो है वैष्णव, दूसरा शैव और तीसरा है शाक्त। वैष्णव, शैव और शाक्त, ये तीन संप्रदाय ही मुख्य रूप से सनातन धर्म के संप्रदाय हैं, सनातन धर्म के अंग हैं। लेकिन बाद में इनमें तीन संप्रदाय और जुड़ गए हैं, वो है जैन, बौद्ध और सिख। ये तीन जो संप्रदाय हैं और मिल गए इसके अंदर, तो कुल मिला के इस समय छह संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के अंदर, या कह सकते हैं कि सनातन धर्म के अंदर कुल मिला के छह संप्रदाय हैं। तो जैन, यानी जो महावीर भगवान को मानता है वो जैन जैनिज्म हो गया, जो भगवान बुद्ध को मानता है वो बुद्धिज्म हो गया, और जो वाहेगुरु को, गुरु नानक देव जी को मानते हैं वो सिख धर्म हो गया। ये तो सब जानते हैं और आपको भी पता होगा कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनमें ये तीन जो मैंने बताया है, शैव, शाक्त और वैष्णव, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं या भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना करते हैं, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सारे जितने भी भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों की जो पूजा करते हैं, उन अवतारों की जो प्रार्थना करते हैं या उनको जो मानते हैं, वो सारे लोग वैष्णव कहलाते हैं। अब बात आती है शैव की। तो शैव संप्रदाय वो संप्रदाय होता है जो भगवान शिव को मानता है या भगवान शिव के रूपों की पूजा करता है या भगवान शिव के अवतारों की जो पूजा करता है या उनको मानता है, उन लोगों को शैव कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में आता है शाक्त। शाक्त वो लोग होते हैं या शाक्त संप्रदाय उन लोगों को का संप्रदाय होता है जो शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे उस शक्ति में कोई भी हो सकती है, माँ दुर्गा भी हो सकती है, माँ काली भी हो सकती है, लक्ष्मी जी भी हो सकती है, कोई भी जितनी भी शक्ति रूप है उनकी जो उपासना करते हैं उनको हम बोलते हैं शाक्त। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आप पर्टिकुलर किस संप्रदाय को बिलोंग करते हो। अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ
तो मैं वैष्णव हूँ, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ तो मैं वैष्णव हूँ, मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ तो मैं वैष्णव हूँ, अगर मैं भगवान शिव को मानता हूँ तो मैं शिव हूँ, या भगवान मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो भी मैं शिव हूँ, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो, या आपको आज पता चल गया होगा कि आप किस संप्रदाय को मानते हो, आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारे ही संप्रदाय किसके अंग हैं, सनातन के अंग हैं, और सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो स्वयं भगवान ने की थी, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हो। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे जरूर बताइएगा, और आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।